23 अप्रैल को हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि पावनी एमआईडीसी जो है, पावनी एमआईडीसी में एक कंटेनर ट्रक, उसमें गेहूं के बैग्स हैं और गेहूं के बैग्स के अंदर महाराष्ट्र शासन ने प्रतिबंधित किया हुआ गुटखा के बैग छुपा के रखे। उस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक हमने डिटेक्शन टीम का चयन किया और डिटेक्शन टीम ने जाके वहाँ जाके वो गाड़ी को इंटरसेप्ट किया। इंटरसेप्ट करने के बाद वो उसमें निकला गया, उसमें 20 बैग मिली। गेहूँ के बैग छोड़ने के बाद 20 बैग मिली। उसमें चेकिंग करने के बाद उसमें प्रतिबंधित जो गुटखा है, वो गुटखा और सुगंधित तंबाकू उसमें पाए गए। वो कहाँ से लाया और उसमें किसने भेजा, इसके बारे में हमने इन्फॉर्मेशन ली। तो वो ये ग्वालियर से ट्रक भर के आया था और इधर कोपरी गांव में एक पवन गुप्ता नाम का अपराधी है, उसके पास वो देके आगे बेचने वाले थे। इन्फॉर्मेशन के बाद हमने ये जो माल है वो बरामद किया। एक्शन लेने के बाद उसमें 20 गोनी गुटखा मिला है, करीबन 950,000 का माल है।